गल करते हाँ संजय दत्त की, बॉलीवुड के फेमस अदाकार संजय दत्त अक्सर ही अपनी फिल्मों करके लाइमलाइट के पड़े रहते हैं। उत्थे ही वो अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी कई बार सुर्खियों के आ जाते हैं। हाल फिलहाल ये खबर आ रही ने कि हूँ एंट्री कर ली है उन्होंने क्रिकेट के मैदान के। आओ जानते हाँ की है पूरा मात्रा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने क्रिकेट के मैदान में एंट्री कर ली है। अजकल फ्रेंचाइजी क्रिकेट तेजी नाल बढ़ रही है। इस दौरान जिम्बावे जिम आफरो दी 10 टूर्नामेंट दे आयोजन दी तैयारी की जा रही है। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तो शुरू होगा। इस टूर्नामेंट विच बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज दे सर सोहन राय दे नाल हरारे हरिकेन्स टीम दे सह मालक बन गए ने। इस दिग्गज अदाकार दा बॉलीवुड विच क्रिकेट जगत विच डेब्यू है। जिम्बावे द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट विच कुल 5 टीमां हिस्सा लैणगियां, जिस विच डरबन कलंदर्स, केप टाउन सेप आर्मी, बुलावियो ब्रेव्स, जोबरन लाइन्स अते हरारे हरिकेन्स मौजूद हैं। लीग विच शामिल होने वाली डरबन कलंदर्स टीम पाकिस्तान सुपर लीग दी फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स टीम है। जिम ऑफरोड T10 हरारे विच आयोजित होने वाला जिम्बावे विच पहला फ्रेंचाइजी क्रिकेट इवेंट होगा। टूर्नामेंट लई प्लेयर्स ड्राफ्ट 2 जुलाई नू हरारे विच एक समागम विच होगा। ए जिम ऑफरोड टूर्नामेंट का पहला सीजन होगा। इस दे नाल ही संजय दत्त ने टूर्नामेंट विच टीम का सह मालक बन के अपना उत्साह जाहिर किया है। इस नाल उसने उम्मीद जताई है कि हरारे हरिकेन्स टूर्नामेंट चंगा प्रदर्शन करेगा और जिम्बावे विच क्रिकेट प्रशंसकों का मनोरंजन करेगा। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने कहा, क्रिकेट भारत विच एक धर्म की तरह है और सब तो वड्डे खेड देशों विचों एक है। मैं लगता है कि खेड नू दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना साडा फर्ज है। उन्होंने अगे कहा, जिम्बावे का खेड विच एक शानदार इतिहास है और इस नाल जुड़िया होना और फैंस नू वधिया समा बिताउण विच मदद करना ओ चीज है जो मैनू सचमुच खुश करती है। मैं हरारे हरिकेन दे जिम ऑफरोड T10 दे विच असल विच वधिया प्रदर्शन करन दी उम्मीद करदा हां। गल करते हाँ संजय दत्त की, बॉलीवुड के फेमस अदाकार संजय दत्त अक्सर ही अपन फिल्मों करके लाइमलाइट के पड़े रहते हैं। उत्थे ही वो अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी कई बार सुर्खियों के आ जाते हैं। हाल फिलहाल ये खबर आ रही ने कि हूँ एंट्री कर ली है उन्होंने क्रिकेट के मैदान के। आओ जानते हाँ की है पूरा मात्रा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने क्रिकेट के मैदान में एंट्री कर ली है। अजकल फ्रेंचाइजी क्रिकेट तेजी नाल बढ़ रही है। इस दौरान जिम्बावे जिम आफरो दी 10 टूर्नामेंट दे आयोजन दी तैयारी की जा रही है। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तो शुरू होगा। इस टूर्नामेंट विच बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज दे सर सोहन राय दे नाल हरारे हरिकेन्स टीम दे सह मालक बन गए ने। इस दिग्गज अदाकार दा बॉलीवुड विच क्रिकेट जगत विच डेब्यू है। जिम्बावे द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट विच कुल 5 टीमां हिस्सा लैणगियां, जिस विच डरबन कलंदर्स, केप टाउन सेप आर्मी, बुलावियो ब्रेव्स, जोबरन लाइन्स अते हरारे हरिकेन्स मौजूद हैं। लीग विच शामिल होने वाली डरबन कलंदर्स टीम पाकिस्तान सुपर लीग दी फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स टीम है। जिम ऑफरोड T10 हरारे विच आयोजित होने वाला जिम्बावे विच पहला फ्रेंचाइजी क्रिकेट इवेंट होगा। टूर्नामेंट लई प्लेयर्स ड्राफ्ट 2 जुलाई नू हरारे विच एक समागम विच होगा। ए जिम ऑफरोड टूर्नामेंट का पहला सीजन होगा। इस दे नाल ही संजय दत्त ने टूर्नामेंट विच टीम का सह मालक बन के अपना उत्साह जाहिर किया है। इस नाल उसने उम्मीद जताई है कि हरारे हरिकेन्स टूर्नामेंट चंगा प्रदर्शन करेगा और जिम्बावे विच क्रिकेट प्रशंसकों का मनोरंजन करेगा। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने कहा, क्रिकेट भारत विच एक धर्म की तरह है और सब तो वड्डे खेड देशों विचों एक है। मैं लगता है कि खेड नू दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना साडा फर्ज है। उन्होंने अगे कहा, जिम्बावे का खेड विच एक शानदार इतिहास है और इस नाल जुड़िया होना और फैंस नू वधिया समा बिताउण विच मदद करना ओ चीज है जो मैनू सचमुच खुश करती है। मैं हरारे हरिकेन दे जिम ऑफरोड T10 दे विच असल विच वधिया प्रदर्शन करन दी उम्मीद करदा हां।